जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंडे को किस तरीके से हमारे मार्केट जो है वो ओपन हो सकते हैं क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों को जो है वो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बनानी चाहिए ग्लोबल क्यूज़ हमें किस प्रकार से दिख रहे हैं साथ ही में डॉलर इंडेक्स क्रूड ऑयल सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक के हिसाब से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग फोर थाउजेंड लाइक्स तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना आपने अगर लाइक कर दिया है तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लोबल क्यूज़ की तो ग्लोबल क्यूज़ ख़राब है जेरोमी पवल साहब ने जो स्पीच दी थी और जो फेड का जो एक रिपोर्ट आती है एस की उसमें जो है फेड ने जो है काइंड ऑफ रिसेशन का हिंट जो है वो दिया था उसकी वजह से रिसेशनरी फियर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बनते हुए आ रहे हैं डाउ फीचर्स की बात करें तो लगभग 340 पॉइंट नीचे हैं नैसडेक की बात करें 130 पॉइंट नीचे हैं डैक्स की बात करते हैं तो वो भी लगभग यूरोपियन मार्केट्स एक से सवा परसेंट नीचे और ब्रिटेन का मार्केट ज़्यादा नीचे इस वजह से है क्योंकि उनकी जो रिटेल सेल के नंबर है वो भी ख़राब आए हैं तो खराब रिटेल सेल्स का मतलब है इन्फ्लेशन तो कम होगा बट लोगों को डर है डिफ्लेशन का डिफ्लेशन इन द सेंस जो है जित एक हम रिसेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से हमें ग्लोबल पिक्चर जो है वो काफ़ी ख़राब जो है वो दिखाई दे रही है अब देखो जब मार्केट नीचे जाता है तो लोगों का सवाल होता है गैप अप कब होगा मार्केट ऊपर आता है तो लोगों का सवाल होता है गैप डाउन कब होगा और यही सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है कभी भी लोग ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते अब मेरे पास वीकेंड पे इतने सवाल आए संजय भाई गैप अप कब गैप अप होगा क्या डाउ फ्यूचर्स दो पॉइंट रिकवर कर गए हैं क्या गैप अप होगा बट अगर आप इस वक्त देखें निफ्टी ने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है ठीक है ज़्यादा कुछ हम लोगों को निफ्टी में देखने को नहीं मिला है और स्ट्रक्चरली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक बहुत ही ख़राब पैटर्न जो है वो निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप देखें तो तो आई एम नॉट सरप्राइज कि निफ्टी जो है अगर जो है एक गैप अप के बाद सेल ऑफ का एक अगेन जो है वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखे बट दिक्कत क्या है दिक्कत है पुट कॉल रेशियो इस पुट कॉल रेशियो में अगर गैप डाउन होता अगर क्लियर कट गैप डाउन होता तो मैं आपको बोल देता कि मार्केट में अगर आपको गैप डाउन मिल रहा है इस पुट कॉल रेशियो पे तो आपको सेल कर देना चाहिए बाय कर लेना चाहिए बट हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ये जो पुट कॉल रेशियो है गैप अप में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद हम लोगों को फ्रेश सेलिंग का बाउट जो है वो दिखाई देगा अभी के लिए ट्रेंड जिस हिसाब से बना हुआ है क्योंकि बाइंग आ रही है अगर आप डेली चार्ट भी इंटरनेट चार्ट भी देखो तो लोअर लेवल से बाइंग ज़रूर आ रही है बट हर बाइंग पे सेलिंग आ रही है और सेलिंग प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दोनों ही इंडाइसीज में ये चीज क्लियर कट हम लोगों को अभी के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेली चार्ट क्या बोल रहे हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर चलते हैं उसके बाद इंडियन मार्केट्स के ऊपर हम लोग आएंगे डाउ जोन्स डाउ जोन्स का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पे हम लोगों को एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वीकली टाइम फ्रेम अगर हम कर देते हैं यहाँ पे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था डाउ जोन्स का जो था चौंतीस हजार पाँच सौ चौंतीस हज़ार चार सौ का लेवल पिछली बार भी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर वीकली टाइम फ्रेम पे बना के जो है वो डाउ, डाउ जोन्स आया था और एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन अ वीकली टाइम फ्रेम जोन्स बना के इस वक्त नीचे जा रहा है अगर बत्तीस हजार तीन सौ जो कि एक डी लाइन आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक के लिए डाउ डाउजोन्स अभी बत्तीस आठ सौ पर है तो पाँच सौ पॉइंट की जगह दिख रही है मेरे को बट अगर बत्तीस हजार तीन सौ के नीचे डाउ डाउजोन्स ड्रिफ्ट करता है तो हम लोगों को एक बड़ा फॉल डाउ डाओजोन्स में देखने को मिल सकता है और आई वुड नॉट बी सरप्राइज हम लोग उनतीस आठ सौ के लोज दोबारा से टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे और ये लोज होंगे हमारे जून के लोज जो कि बहुत पेनफुल टाइम होगा पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए तो बत्तीस तीन के ऊपर जब तक आप हैं एक रनिंग कनेक्शन ही मानिए हो सकता है डाउजोन्स क्या करे इधर जाए इधर जाए और उसके बाद इस तरीके से एक ट्रेंड बना दे ठीक है ये ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बने बट जब तक ये ट्रेंड हमें क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं देता तब तक कॉशन के साथ ही अपने को चलना है आ, की बात कर लेते हैं अब नेक की बात करें तो नेक बहुत खराब चार्ट जो है वो नेस्टडेक का बना हुआ है कोई स्ट्रेंथ दिखाई दे ही नहीं रही है नेस्टडेक के चार्ट में जितना डाउ के चार्ट में तो फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी बट यहाँ पे अगर आप देखो तो दस हजार छः सौ का एक बहुत क्रिटिकल लेवल है दस हजार छः सौ के ऊपर जब तक है तब तक मैं शॉर्ट टर्म के लिए उतना एग्रेसिवली बेरिश नहीं हूँ ठीक है यहाँ से पाँच सौ छः सौ पॉइंट और नैसडेक उधर जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है एक रनिंग कनेक्शन ही मानूंगा मैं उसके बाद मैं सोचूंगा यार कि यहाँ पे शायद मार्केट एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की चेष्टा करे बट अगर ये दस का लेवल टूट जाता है ना तो टेक्निकली चार्ट बहुत ख़राब हो जाएगा नैसडेक का और उसके बाद एटलीस्ट जो है 9600 मतलब हज़ार पॉइंट का एक फॉल नैसडेक में देखने को हमें मिल जाएगा और ये 9600 का टॉप जो होगा वो होगा कोविड से पहले का टॉप बहुत ख़राब सिचुएशन नेसडडेक में बन सकती है अगर 10600 हजार छः के लेवल आते हैं और उसके बाद आपको पता है इंडियन आई सेक्टर का क्या हाल होगा ठीक है तो ये चीज़ अब अपने को थोड़ा फोकस में रखनी है क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं देखिए क्रूड नीचे क्यों जा रहा है क्योंकि क्रूड को डर है इन्फ्लेशन का ठीक है रिसेशन का माफ कीजिएगा तो रिसेशन ही फियर जो है उसकी वजह से क्रूड हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब क्रूड जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 76 77 का 76, 77 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्रूड ऑयल का अगर क्रूड ऑयल जो है वो नीचे जाता है तो हम लोगों को 76, 77 का लेवल देखना है जो कॉमोडिटी ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं इस मैं ये बता रहा हूँ अगर ये 76, 77 का लेवल टूटता है तो पोजिशनली क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से एटलीस्ट एटलीस्ट सिक्सटी नाइन के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकते सिक्सटी नाइन से सिक्सटी सेवन uh, का लेवल हमें क्रूड ऑयल में नेक्स्ट वीक जो है वो देखने को मिल जाएगा अगर सेवेंटी सेवन का लेवल हमें ब्रीच होता हुआ दिखाई देता है तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है डी एक्स वाई की तरफ हम लोग चलते हैं डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए बन के आया है ठीक है डॉलर इंडेक्स ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे एक हैमर फॉर्मेशन दिया है जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट था इसका 104 का 104 के ऊपर एक हैमर फॉर्मेशन इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट्स और बाकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके लिए भी एक अच्छा साइन नहीं है आप देख रहे हैं गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है आ, हम लोगों को आ, सोने चांदी में जो गिरावट दिख रही है वो तो है ही साथ में क्रूड ऑयल में भी एक बड़ी गिरावट इस वजह से दिखाई दे रही है तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाते हुए इस लेवल को क्रॉस कर देगा जो कि प्रीवियस इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज 105.5 का ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम तो डॉलर इंडेक्स दोबारा से 108 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई देगा और 108 की ट्रेजेक्ट्री में अगर डॉलर इंडेक्स जाएगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर अवर रूपी रूपी को दिक्कत होगी रूपी को दिक्कत होगी तो बैंक्स को दिक्कत होगी और ओवरऑल पूरे इक्विटी मार्केट्स के लिए खराब साइन होंगे तो डॉलर इंडेक्स को 104.2 के नीचे जाना ही होगा अगर 104.2 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा पॉजिटिव होगा तभी इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए और जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनके मार्केट्स के लिए और 104.2 के नीचे अगर डॉलर इंडेक्स जाता है तो एक का लेवल हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है और वीकली टाइम फ्रेम क्या सिचुएशन बन रही है वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हमें निफ्टी के चार्ट में दिखाई दे रहा है और अगर आप इस वक्त एक ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ करते हो ठीक है और वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इस काइंड ऑफ ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद मार्केट को एक फेक आउट की डर कहाँ पे आ जाएगा कि मार्केट में एक फेक आउट हो गया ये जो ब्रेकआउट था ये फेलियर हो गया है ठीक है क्योंकि टेक्निकली वी हैव ब्रोकन आउट एक रेंज से हम लोग ब्रोकआउट हुए हैं एक साल का जो है वो रेंज है उसका ब्रेकडाउ ब्रेकआउट uh, हमें होता हुआ दिखाई दिया है और टेक्निकली एक लेवल अगर आपको देखना है जहाँ पे एक आ रहा है सपोर्ट्स uh, का जो आपको ध्यान में रखना है वो मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनली पूछें तो अट्ठारह है ठीक है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ 18,100 के नीचे अगर ये निफ्टी जाता है चाहे मंडे के सेशन में जाए ट्यूसडे के सेशन में जाए इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज अपने को मिलती है दे आर गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट फेलियर और उसके बाद जो मैं हमेशा बोलता हूँ जनरली जब भी क्या होता है जब भी कोई पैटर्न बनता है मान लीजिए कोई बुलिश पैटर्न बनता है कोई बेरिश पैटर्न बनता है उसके अगेंस्ट में जब कोई मूव आता है मान लीजिए वो पैटर्न फेलियर होता है और उसके अगेंस्ट में कोई मूव आता है देन हम लोगों को वो जो काउंटर मूव है वो बहुत एग्रेसिव और फास्ट देखने को मिलता है अगर अट्ठारह एक सौ जाता है आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी बोल्ड इन माई प्रिडिक्शन आई वुड नॉट बी सरप्राइज हमें नेक्स्ट वीक ही सत्रह हजार पाँच सौ के लेवल देखने को मिल जाए अगर ये मार्केट 18100 का लेवल तोड़ देता है तो नेक्स्ट वीक में हम लोगों को 17500 के लेवल देखने को मिल जाएंगे बोल्ड प्रिडिक्शन है बट ये मेरे को चार्ट्स बोल रहे हैं मैं खुद अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा क्योंकि 18100 एक मैसिव सपोर्ट है अगर ये मार्केट को होल्ड होना है तो अट्ठारह के लेवल पर होल्ड होना चाहिए अगर ये नहीं होल्ड होगा पूरा पैटर्न ख़राब हो जाएगा ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और उसके बाद बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है तो 18 100 120 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है नेक्स्ट वीक निफ्टी के लिए चलते हुए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम अगर मैं बैंक निफ्टी में आता हूं तो काइंड kind ऑफ of आपको वेज मैंने बताया था बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है ठीक है ये काइंड ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों को निफ्टी बैंक में बनती हुई दिखाई दे रही है जिसका ब्रेकडाउन हम लोगों को काइंड kind ऑफ of होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है एक वेज फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रही है वेज फॉर्मेशन में आप देख रहे हो कितनी स्क्यूड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है बाइंग में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही और अब जो है एक इनवर्टेड हैमर के साथ जो है अब एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आप सभी को अपनी लेवल uh, जो है वो मार्क करके रख लेना है वीकली टाइम फ्रेम पे वह फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का बयालीस हजार सात सौ पचास सात सौ बीस का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए अगर बयालीस हजार सात सौ बीस सात सौ पचास का लेवल निफ्टी बैंक तोड़ देता है तो हम लोगों को एक दिक्कत का सबब जो है वो देखने को मिल जाएगा बयालीस हजार सात सौ पचास सात सौ बीस का लेवल अगर देखने को मिलता है तो एक बड़ी दिक्कत हमें डाउनसाइड में होती हुई दिखाई दे सकती है एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर बयालीस हजार सात सौ गया तो निफ्टी बैंक आ रहा है फोर्टी वन फाइव हंड्रेड नेक्स्ट वीक इट्स सेल्फ ठीक है बोल्ड प्रिडिक्शंस हैं मेरी दोनों ही इंडाइसिस के लिए बट इम्पॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट फेलियर्स जो मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं अगर बयालीस हज़ार सात सौ गया इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुई इकतालीस पाँच सौ हमें नेक्स्ट वीक ही देखने को मिल जाएगा तो उम्मीद कीजिएगा बयालीस सात सौ का लेवल होल्ड होता हुआ दिखाई दे अब इंट्राडे इसे किस तरीके से प्ले करना है ठीक है पोजिशनल तो अपन ने बात कर ली इंटराडे किस तरीके से प्ले करना है वो अपने को अब देखना होगा सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की तरफ चलते हैं और पुट कॉल रेशियो की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं अपडेट कर देता हूँ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है लिंक उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मोर देन एटी से ज़्यादा मेम्बर्स हमारे ऑलरेडी है अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स होती हैं मेरे कोई भी अपडेट्स वगैरह होते हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हूँ मैं ठीक है मेरी मैं और मेरी टीम कोई भी एक्सपायरी रिलेटेड स्ट्रैटेजी होती है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ तो इस तरीके से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं बहुत लोग बोलेंगे संजीत भाई क्या ये पेड है नहीं भाई बिल्कुल फ्री है आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द ग्रुप ठीक है अब इम्पॉर्टेंट चीज़ डेटा क्या बन रहा है पुट कॉल रेशियो पॉइंट फाइव फाइव का है, इसका मतलब कॉल राइटर्स में भर भर के कॉन्फिडेंस है और पुट राइटर्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है बट ये ओवर है ओवर स्ट्रेच है एक बाउंस बनता है अब वो बाउंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं अप के थ्रू मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अगर मार्केट नीचे खुलेगा पहली बात मेरे हिसाब से एक माइनर गैप अप हमें देखने को मिल जाएगा और उसके बाद हम लोगों को सेलिंग प्रेशर एक्सर्ट होता हुआ दिखाई देगा अगर सेलिंग प्रेशर आना भी है तो ठीक है मेरे लिए डी लाइन अब यहाँ पे कौन सी है ना लॉन्ग और शॉर्ट की वो है ये वाले टॉप्स क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है दैट इज 18,430 का लेवल 18,430 के जब तक आप ऊपर हैं तब तक आप स्ट्रॉन्ग हैं 18,430 के नीचे तब तक हैं तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज का है ठीक है सिंपल इस स्ट्रेटेजी आपको रखनी है 18430 के ऊपर आप लोग बायर बन जाए ना अठारह चार सौ तीस मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है अगर आप देखो यहाँ पे रुका था इधर रुका था इधर भी इस एरिया के आसपास से ये दो बार टॉप बना के घूमा है तो अट्ठारह चार सौ के लेवल के ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है तो आप बुलिश बोलिशो और इसके नीचे जब तक है तब तक आप सेल ऑन राइज मोड में रहेंगे ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ऑन द डाउन साइड में अगर अट्ठारह का लेवल तोड़ देता है मार्केट तो हम लोगों को टारगेट अपना देखने को मिलेगा 18,100 से लेकर 18,110 का और 18,110 अगर टूटता है आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि हम लोगों को एक अट्ठारह हजार तक का टारगेट जो है वो मंडे के सेशन में ही देखने को मिल जाएगा आई वुड नॉट बी सरप्राइज ठीक है अब 18,430 के ऊपर निकला तो क्या तो 18,430 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 18,500 की जगह हम लोगों को देखने को मिल जाएगी 18,500 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को 18,600 छः तक की जगह जो है वो देखने को मिल जाएगी ये चीज़ अपने को फोकस में रखनी है अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सिंपल स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी ने भी एक काइंड kind ऑफ of इसी तरीके का पैटर्न जो है वो बनाया है ठीक है अगर मैं बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखता हूं तो वो अराउंड पॉइंट के आसपास है थोड़ा हैवी है थोड़ा हैवी इन द सेंस थोड़ी ज्यादा पुट राइटिंग हुई है कौन से लेवल पे तिरतालीस दो सौ के लेवल पे और तिरतालीस हज़ार पे फॉर्टी थ्री थाउजेंड पर तो अभी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अपने कौन से हैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट अभी के लिए है वो है ये वाला स्विंग दैट इज फोर्टी का 43,050 के नीचे जब तक नहीं नहीं जाता है 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 बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी को फ्रेश नहीं करना है। क्लियर कट है। और निफ्टी को फ्रेश फ्रेश शॉर्ट करना क्लियर कट और लॉन्ग तब तक नहीं करना है जब तक 43,425 के ऊपर नहीं जाता है तो बैंक निफ्टी ने एक ब्यूटीफुल रेंज बना दी है अपने को जब तक इस रेंज के अंदर है आपको रेंज को प्ले करना है 400 पॉइंट की ये रेंज है बहुत आराम से आप आराम से प्ले कर सकते हो लोअर लेवल पे आता है कोई भी एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन बनती है यहां पे आपको बाय कर लेना हैमर का लो एसएल लगा के और यहां पे आप लोग एक टारगेट लेके चल सकते हो ऊपर की साइड का अट्ठारह फोर्टी थ्री फोर हंड्रेड का इसी तरीके से यहां पे जैसे इधर एक बॉक्स पैटर्न बनाया देन उसका ब्रेक डाउन हुआ इसी तरीके का पैटर्न अगर यहां पे कुछ बनाता है देन यहां पे आप सेल भी कर सकते हो तो रेंज को प्ले करना है आपको ठीक है रेंज के बाहर ये कब निकलेगा वो मेरे को नहीं पता भाई रेंज के बाहर जैसे ही ये निकलता है आप लोगों को उस साइड की डायरेक्शनल प्ले तब ही लेनी है बड़ी ट्रेड तभी बनेगी जब ये इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तभी हमें एक बड़ा ट्रेड जो है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो ये आप रेंज बैंक निफ्टी में मार्क कर सकते हो फैनेंस निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई फिनेंस निफ्टी की बात करें तो सिंपल सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फाइनेंस निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है लोअर लेवल पे उन्नीस अपर लेवल पे उन्नीस ये लेवल्स आपको मार्क कर लेने रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी में बहुत सिमिलैरिटीज़ है मैं बार बार बोलता हूँ और आपको पता ही है कंपोनेंट्स भी वगैरह भी सेम है तो जब तक बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी भी इस रेंज में है रेंज को प्ले कीजिए आप लोग रेंज के बाहर एक साइड निकलेगा तभी कोई डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा रिलायंस की बात कर लेते हैं रिलायंस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो सिंपल स्ट्रक्चर है रिलायंस का ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम लोग लगा देते हैं रिलायंस को ठीक है और इंडिकेटर्स वगैरह एक बार साइड में करते हैं और डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अगर मैं लगाता हूँ तो रिलायंस uh, का अगला जो लेवल सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है पच्चीस पैंतालीस uh, का पच्चीस पैंतालीस के नीचे रिलायंस जाता है तो दिक्कत हो जाएगी जब तक पच्चीस पैंतालीस होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत की बात फ्रेश नहीं है एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंकिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज 928 928 के नीचे अगर एक्सिस बैंक जाता है तो 920 तक की जगह हमें देखने को मिल जाएगी एच बैंक की बात करें तो एक अच्छा पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है एज लॉन्ग एज एच डी एफ सी बैंक इज अबव सिक्सटीन थर्टी के ऊपर जब तक एच बैंक है कोई दिक्कत की बात नहीं है 1630 के ऊपर एच बैंक जाएगा तो हम लोगों को दोबारा से 1660 के लेवल देखने को मिलेंगे और 1630 के नीचे अगर ड्रिफ्ट करता है 1630 के नीचे दोबारा से एक बार के लिए 1590 के लेवल देखने को मिल जाएंगे आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक इन द बैंक निफ्टी इस वक्त अभी के लिए आईसीआईसी बैंक बना हुआ है तो अगर आईसीआईसी बैंक नाइन एट हंड्रेड एंड नाइन्टी का लेवल तोड़ता है तब बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है एट नाइन्टी के नीचे एक बड़ा सेल ऑफ़ जो है हमें आई सी आई बैंक में देखने को मिल जाएगा ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट गैप का एरिया है जहाँ पे बजाज फाइनेंस ने एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया था तो ये गैप ही अब एक सपोर्ट है सिक्सटी फोर के नीचे बजाज फाइनेंस जाता है तो फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद बजाज फाइनेंस एटलीस्ट मेरे हिसाब से सिक्सटी टू एट्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है यह चीज अपने को ध्यान रखनी है तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस जय हिंद वंदे मातरम